बिस्मिल्लाह। ओहो मेरा पौधा पुट्ठा थी आप। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मलक मैर तो सदे दे पो यूट्यूब चैनल वेला मुंडा। किदे मैंने पे बाबू जी? असो मैंने पे पीर जड्डी। खैर आई उठा तो दरबार ते अपने पीरां को मिला। अच्छा माशाल्लाह। अम्मे होनी कोई बंद पे? अच्छा पिछू तो फिलहाल कोई कह नहीं। हां बस लोग दे बंदा तुसा उमर ते अम्मी त्रै बंदे ते असन रिजवान ते मैं पोत्र कह नहीं थोरे। तू साई ताई घर खड़ो ना वा घर ता ए छोटा पोत्र हमेशा दे पोत्रा। मेरी माँ नो क्या कर ली है? लुको 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 आगे आगे भाग रही है, मैं इसके पीछे पीछू पकड़ूंगा इसे। ओ ये मेरा पावर बैंक ना आल्टो कार के अंदर था तो इसलिए मैंने निकाल लिया क्योंकि वो तो पीर जगह जा रहे हैं। हाले तक धाता कौन ही बदा, मैं कमीज उतारी बदा देते पे मेरी बाजू तू। मैं नहा धो के फ्रेश थी के वाला थोड़े सामने आना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो वैसे ठीक है। मैं हाँ मोहम्मद शहजाद सुन रहे पे यूट्यूब चैनल वेला मुंडा। नहा धो के फ्रेश थी के अपनी बूथी चमका के थोड़े सामने आ गए जनाब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी आदत है जल मैं धांधा पियावा ना या कपड़े प्रेसिंग वगैरह करवांदा पियावा फ्रेश दिंदा वदावा तो वाल मैं म्यूजिक चला रखे ना बुफरां दे उते ते उंदा बटन बंद कीते मी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वीडियो स्टार्ट थोक पता लग गया सी अब्बू अम्मी हुनी लांगन पीर जगी शरीफ। उन्होंने मैं को सख्ती ना लाखे के बेटा सारे जड़े घर दे दरवाजे हैं पे उन्हें को बंद रखें क्योंकि जल असा वदे होने तो वाल कोई मसला कोई नहीं उन्दा दरवाजे खुले उन्होंने आप असा नजर रखे ने हर चीज़ उत्ते जल असा घर को नहीं सौंते तो सो परेशानी थी तो इस वजह तू जितने गेट हैं पे उन्हें सारे के दरवाजे कुंडे शुंडे ला के रखा है। इंदा कुंडा लगा खड़ा है। हूँ मैं आ चुका पुराने घर के इंदे गेट का कुंडा भी लगा खड़ा है। ए भी तो ए भी दोहे कुंडे फिटे पे सारे टोटल थोक पता त्रै गेट हैं पे तो दो गेटा के कुंडे लगे खड़े त्रीजा ई घर का ए पिया ई घर से असा आ वध्या थे कुंडा खुला भी हो तो कोई मसला कौन नहीं क्योंकि ई घर कोई कह नहीं वह तो इस वजह तू कोई एरा गैरा आए तो अच्छी गल कोई नहीं होती। अज की वीडियो स्टार्ट करने तो पहले सारे चैनल को सब्सक्राइब कर तो शुरू करें अज की मजेदार वीडियो। अज सको होना सिवे को सलफ मारना पुसी क्योंकि जी अल्ट होए और थोड़े सामने अबू अम्मी चेक गए लाइट बैठक को भी नीट एंड क्लीन कर दी थे क्योंकि मेरे आने अज मेहमान मेहमान की खातर तबादो भी करे सो मरो तुसा कि चढ़े वे गोड़ा पाड़ा पिया गोड़े तो सलवार पाड़ी पियो ना गोड़ा बाहर आवे जामू नजर आंदे मरे तो ऐसा कोई रात तक हलवा खवैसा उन्हें खावे तो हलवा बजड़ा इंदा भी वर मोए वे दादा इं मेरे दादे दाई वे दादी सॉरी दादी मोई है ना इं आखे दादी की चिली सेंद उतना मैं हलवा पकंदा पियाँ तो असा के चलो ठीक है असा खुश थी गए मेरी दादी तो चिली सेंद तो हलवा पकदा पे असा इंतजार कर 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 भाई हुने हलवा आंदा पे हुने हलवा आंदा पे रात रात दे 12 बज गए हलवा नहीं आया खराब थी हूं फायदा हलवा खाने का। अबू अम्मी होनी जिथे लंघ गए पीर साहब होनी को मैं पीर साहब होनी को मैसेज किया सुना वा अस्सलाम वालेकुम पीर साहब क्या हाल है ठीक है खैरियत है मुर्शिद कल सुबह सुबह फर्स्ट टाइम कितना मेरे अबू ते अम्मी होने आमना दम करवावा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकात अल्लाह पाक तेरी उम्र दराज करे शहजाद भाई। मैं कल जी में एक ख़त्म शरीफ है इतना निज़ामाबाद 10 बजे वो 10 बजे ख़त्म शरीफ भुगता थे वाले मैं पीर जगी शरीफ पहुँचसा ते अल्लाह पाक तो सलामती अता फरमावे अम्मी होनी को ते भाई जान मेरे को आख सोचा अपने वाले दे मोहतरम को ओ तकरीबन 12 बजे तक पहुँच बने पीर साहब आखिया 12 बजे तक पहुँच बने हूँ टाइम थी पे 12 बजे 7 मिनट तकरीबन अबू उमेर अम्मी जान होनी और सारे पहुँचने वाले उसन क्योंकि इतना ज्यादा से ज्यादा 1/2 घंटा 45 मिनट का सफर है ज्यादा लंबा सफर कोई नहीं। हूँ कुछ व्यूवर यह गाल सुन के मैसेज करे सन कमेंट के कि शहजाद भाई तुसा पीरों के कोलो वेंदे वे ये गलत गाल है यार हर बंदे की अपनी मर्जी होंगी असं यह आखते हैं कि अल्लाह वाले जो लोग होंगे ना जो अल्लाह के नेक होवे जिन्हें जो अल्लाह पाक के प्यारे होवे तो उन्हें रिस्पैक्ट करना उन्हें इज्जत करना उन्होंने को दुआ करवाना भी कोई गलत कोई नहीं। साडे वड्डे वैसे यह गाल भी आखन कि जहाँ कोई पीर ना हो जहाँ मुर्शिद ना हो जो बंदा बेमुर्शदा हो बंदा ठीक नहीं होता इवें आते हैं कि नहीं जिहड़ा बंदा बेमुर्शदा होवे ठीक नहीं हुंदा बंदा। मेरी गल एक होर गल भी सुन लगा कन खोल के इत्थे मेरे आ रहे ने मेहमान ये बैठक च गंद नहीं पाना बैठक च गंद पाया ना मैं चक के बाहर मारना तेनू तेनू मारना कि मेरे मारना तेनू
ਇਹ ਟੋਪੀ ਸ਼ੋਪੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦੱਸ ਇਹ ਵੇਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਚ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਸੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਹੁਣ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਮਲਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਮਾੜੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਇਤਨੀ ਗੈਰ ਮੈਂ ਆਖੇ ਪਿਆਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਸੇ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਸੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੰਨਣਾ ਅੰਬ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਮਾਲਟੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਸਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈਂ ਬਗੈਰ ਸਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਸੇ ਯਾਰ ਉਹਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਲੇ ਮੰਝਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆਸੇ ਨਾ ਮੰਝਲੇ ਪਾ ਕੇ ਧੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਧੋਤੀ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹ ਅਸਾਂ ਬਣ ਕੇ ਧਾਂਦੇ ਆਸੇ ਅਸਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਬਲਿਆਂ ਪਲਟਿਆਂ ਮਾਲਟੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਫੁੱਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਹਿਦਵਾਣੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਯਾਦ ਨ ਅਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਸੇ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਤਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੱਸ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਤਨੀ ਹਾਵੀ ਕਿ ਬਸ ਸਭ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅੱਛਾ ਪੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਜਮੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਅਸਾਂ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬਸ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਚੰਗੀ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਫਟ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਫਟ ਕਰਾਵਾਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆ ਕੇ ਮੁਜਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਫਟ ਕਰਾਵਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾ ਸਲਾਮੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਅਸਤਗਫਰੁੱਲਾ ਅਸਤਗਫਰੁੱਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਥਾਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਖਲਾਵਣਾ ਤੇ ਕੁਮਾ ਬਾਹਰ ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹੀ ਦਾ ਇਹ ਯਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਇਹ ਦੇਖਾ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਕਾਪ ਦਿੱਤੀ ਓਏ ਓਏ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਵੀਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦਮ ਦੇ ਵੀਰ ਵਿਊਵਰ ਗੱਲ ਓਏ ਵਿਊਵਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਚਵਲਾ ਨਾ ਮਾਰ ਵਿਊਵਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਠਾ ਮੀ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਕੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਾਂ ਪਰਦਾ ਕਿਆ ਰੱਖਣ ਜਦ ਇਹਨੇ ਖੋਲ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਸਾਂ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਬੀੜਾ ਇਹ ਪੀਂਦਾ ਸਿਗਰਟ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਬੀੜਾ ਪੀ ਪੂ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਥਾਂ ਭਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਇਥਾਂ ਕੋ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਫਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਰੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਲਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚਲੋ ਬਲਾ ਹੀ ਕਰ ਛੋੜੋ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਖ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋ ਆਖ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰੋ ਹੈ ਐ ਆ ਕੀ ਆਖੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ 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 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਓਏ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਓਏ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਹਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਗਿੰਸਨ ਹਾਂ ਲੈ ਤੇਰੀ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਵੀਰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਬੰਦੇ ਇਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਹੋ ਜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ ਸਿਮਸਿਮ ਜੀ ਇਹ ਲੌਕ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਵਿੰਡੋ ਡੋਰ ਵੀ ਲੌਕ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਡੋਰ ਵੀ ਲੌਕ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज दू त्रै बार बाद अपने होंडा सिविक को सलाह मरें पे जी आ बब्बर शेरा स्टार्ट हो गई साडी शहजादी चाबी को चाक रख देने असा जुलदे पे शहर क्योंकि सारे आते पे मेहमान मेहमान की खातर तवाजो वास्ते कुछ समान गिना ने क्योंकि घर के अम्मी होनी कोई नहीं थोड़े सामने हो तो उड़े लगे गए अम्मी अबू होनी सारे तो वह सब शहर बाजार च कोई ना कोई खावन पीवन का समान आना पोसी तो घर सारा इस वजह तो लॉक करेंदे पे क्योंकि रिजवान भाई भी घर कोई नहीं तो बाकी कोई भी घर कोई नहीं सारे असा वेंदे पे सारा घर लॉक थी वैसे साडा ई घर दे भी ए दरवाजे लॉक थी गए असा जेले आसू इस तू चाबी लग सी तो वाली अंदर एंटर थी सू क्योंकि बाकी सारे दरवाजे अंदरों लॉक हैं पे ए बाहरों लॉक है एक बाहरों ताला लगा खड़े ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਆਂਦਾ ਖਾਨ ਕਿੱਡੇ ਗਿਆ ਵੇਂ ਚਰਾਵਣ ਗਿਆ ਵੇਂ ਡਾਚੀ ਕੋ ਦੁੱਧ ਦੇਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸਾਗ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਚੀ ਦਾ ਤੈਂ ਆਂਡੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਵਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੀਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਚੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਚੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਚੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਿਲਾਏ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਦਾ ਪਿਲਾਇਆ ਸਰ ਅਲੀ ਵੀਰ ਅਸਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ 33 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਔਰ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਪਿਆ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਹੀਟਰ ਲਗਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਢੇਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਮ ਹੈ ਪਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 40 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਿਆ ਅਸਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਹੌਟ ਵਿੰਗਸ ਦਾ ਤੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਗਿਣ ਗਿੰਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਸਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਲੈਕਿਨ ਵੱਲ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ ਬੌਸ
कैसे हो जनाब? ये सारा ऑर्डर रेडी थी पे और सारा बिल बना पे 1420 रुपए। थैंक यू सो मच ब्रदर, बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुण असा अपनी कार दा जिहड़ा एसी है ना उह कोसा तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड ते कर देने कि अंदर का टेंपरेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ते रहे। इन हवे ज्यादा ठंडा थी तो सारा सामान जो खाने पीने का गिधी वदे ये ठंडा ना थी वने। अगर ठंडा थी गया तो खाने पीने का मजा ना आसी। पिज्जा तो पता गरम गरम खाने दे नाल मजा आंदे। और मेहमान दी मैं कॉल आई उन्होंने शहजाद भी असं तेरे घर के बाहर खड़े थे तो मैं सारी मैं 2 मिनट मैं थोड़े को पहुंचता पियाँ। तो हम कैमरा बंद करें पाँ और स्पीड स्पीड अपने मेहमान को पहुंचो क्योंकि वो बाहर वेट करें देखने और पता घर कोई एक कोई ना तो उन्होंने सेव करके अंदर बैठा के भी लावे बाहरों धुप से खड़े हो सन या गली बैठे हो सन। काफी बार तू ना स्पोर्ट्स मोड ही कोने से लाया आज है भी जल्दी और स्पोर्ट्स मोड लेने स्पोर्ट्स मोड लावन नाल तो पता कड़ी सारी जहाज थी वैसे बिस्मिल्लाह पढ़ के थे ए आ चुके वे कड़ी स्पोर्ट्स मोड थे। हुन सारी गड्डी दा मीटर दिखाए और स्पीड दिखाए हुन चेक करो गड्डी सारी स्पीड स्पीड है भाई और तकरीबन सिर्फ 4-5 मिनट दे विच विच गड्डी सारी घर पहुंच वैसे क्योंकि स्पोर्ट्स मोड दा मकसद है गड्डी दा जहाज थी वजना गई 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 अगो मोड़ आ चुका है तो गड्डी को स्लो करना पोसी अगर मोड़ ना होता तो गड्डी इस टाइम सारे घर ही पहुंची खड़ी हो गया क्योंकि स्पोर्ट्स मोड़ तो गड्डी इन जहाज दे दिए। मेहमान सारे भी आ चुके हैं और गुड न्यूज अबू होनी भी वापस आ चुके हैं अहमद हाले अबू होनी मतलब सलाम दुआ करें पहले सब पहुंच गया था पता गड्डी को स्पोर्ट्स मोड़ लगा हुआ है जल्द स्पोर्ट्स मोड़ लगा हुआ है तो गड्डी थक पते ओडोड के आंदी ओडोड के मैं गड्डी ला गया इतना तो उस बाद मेहमानों को मिल दें ये रुक जा आओ जी सारी शहजादी ने भी बोरे सिर्फ 6 मिनट पहुंचाए तुसा टाइम कहना जिठा मैं थोड़ी दिखाई कोई नहीं लेकिन मैं 6 मिनट पहुंचा यकीन अस्सलाम वालेकुम पहुंच गए तो सही अस्सलाम वालेकुम मेहमान खड़े हैं मैं के नहीं 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 ओ हजूर माजरा दे नाल मैं मेरे जान तुसा स्लो स्लो आ तुसा मेरे कोले हैवी ड्राइवर ही है अंदर खड़ा पे मैं मेहमान ठंडा ठार वी आई पी पानी बनवा के ना शरबत वगैरह अम्मी मेरे मेहमान वास्ते ठंडा शरबत वाला पानी तो बना लो मीठा सोना पानी हो बाकी ये सारा समान भी प्लेटा शलेटा चाह मैंने उठे इकट्ठे खाने म्याओ 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 चल भाई चल 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 बेहद शुक्रिया बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच ओके सर अल्लाह हाफिज। मेरी सब्जी को पानी कहना लगा पिया तो को पानी लेंदे पे ताकि तरोताजा थी आवे क्योंकि इनको ना कल परसों वाले बार आधी रह गई बारिश हल्की फुल्की और हल्की फुल्की बारिश नाली का पेट भरया कोई नहीं तो असं पानी नहीं लाया तो ले सजा तो इन्हें पत्ते रहते थोड़े थोड़े मुरझाते पेन पीले पीले थींदे पेन तो सिर्फ पानी की कमी की वजह तो हम पानी ला रही तो असं छले वाला तरोताजा थी असं ओह मेरा बिस्मिल्ला मेरा सोना कि खड़े खड़े मेरा प्लान बन गए कि मेरा एक दोस्त है पिया यूट्यूबर है पिया मेरे इतों तकरीबन 30-40 किलोमीटर दूर है पिया ना बहुत वड्डा यूट्यूबर है पिया उन्हें बनाया नवा घर नवी कोठी उन्हें बनाई है माशाल्लाह तो मैं कि चलो वन क्योंकि मुबारक भी दे और उनकी कोठी भी थको दिखावा और हूँ टाइम थी पे 6:00 तो 16 मिनट असा भाई मैं दोस्त घर तक वह पैसा लो वल्या ने मेरी सब्जी को स्प्रे करें यार ने स्प्रे करें जा मेरी सब्जी को सब्जी वाला खाते नहीं से आते मोबाइल नहीं घंटे बनाते मोबाइल मेरे पास पई थी ना तो मोबाइल को ना मिल सी हाँ सब्जी को करें स्प्रे ये सारे मेहमान जड़े ना
अब्बास सिवाग साहब और ये भी माशाल्लाह चैनल बने पेन और ये अपने YouTube चैनल दे उते वीडियोस पेंदे उन किस टाइप दे वीडियो पेंदे वे सही असान सैकी सकाफत दे वाले नाल जंद विच गाल मुहाड़ किसे कहानियां बुझारता इस तो बात हो पुराने गाने झूमर ताड़ी तुसा एक दफा चैनल ते आसो चसा आसन मजा आसी तुसा एंजॉय करिसो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ते मेरी थारे कोले गुजारिश है पई के तुसा अगर इन चीजा दे शौकीन ही वे जेड़े जेड़े चीजा भाई उने ने दसन तुसा मन किना दा चैनल विजिट करो अगर बेल फॉर शौकीन नी वे भी सही तो तुसा ना को तुसा मन किना दा चैनल विजिट करो सब्सक्राइब कर छोड़ो सारी मन के क्योंकि थारे वणन नाल सब्सक्राइब करण नाल या सपोर्ट करण नाल इना दा फायदा थी वेसे और सारे मेहमान इन पे खुश थी वेसन तो सारा मकसद है असा चाहने के सारा मेहमान जेड़े ना खुश थी के वणन ना के नाराज थी के वणन बत्ती किलोमीटर 36 मिनट का सफर है पिया ई मैप दे रीते रस्ते ते सवेंदे पए जेड़े असा अपने यूट्यूबर दोस्त दे कोलो वेंदे पए इना मेरा कांटेक्ट ना तकरीबन 3-4 सालां तो है पिया असा 3-4 साल तो बहुत अच्छे दोस्त है एक बैदे लेकिन आज तक सारी लाइव मुलाकात को नहीं थई वीडियो कॉल ते गाल थई है व्हाट्सएप ते गाल थई है मैसेज ते गाल थई है ऑडियो कॉल ते गाल थई है 4-5 सालां तो मतलब ओ भी नवे यूट्यूब ते आया ते मैं भी नवा यूट्यूब ते आया मैं उंगले दा सारा ताल्लुक है लेकिन आज पहली मुलाकात है भाई माशाल्लाह उन्होंने ना मेहनत करके घर बनाए वो घर जोल के असा भी देते हैं और वो घर थाको भी दिखाने बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है उंदी जोल के थाको सारी उंदा मुंह सुनवे ने माशाल्लाह सेवे के पेट्रोल थोड़ा वधाई तैसा जदो पेट्रोल पवांदे पए पूरे 5050 रुपए दा इकट्ठा पैसे थोड़े ना जे ऐसा जो टैंकी फुल कोने से करवाने पे ए 5050 रुपए दा ठीक हो गया सर मेहरबानी आए खड़े बेकरी दे एक किलो बीएपी प्यारे प्यारे मिठाई डाल दे आप कितना खूबसूरत रसगुल्ले हूँ सारे मुँह जो पानी आंदा खड़ा मैं यार दूर रसगुल्ले दे सको असा चेक कर गए मुँह मीठा कर गए फ्रेश फ्रेश गर्म करा मैंने हूँ पकान क्या ताज़ा है ताज़ा गुलाब जामुन अपने चाह से मेहरबानी हजूर मेहरबानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहीं घर बंदा वन ना ते खाली हाथ ना वन तो इस वजह तो मिठाई दे मिठाई घेन की दी से फाइनली व्यूअर तकरीबन असा कोई 35 मिनट सफर करने दे बाद पहुंच चुके हैं सामने जड़ी माशाल्लाह खूबसूरत जी कोठी लग बनी खड़ी है ना ये मेरे दोस्त ही है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह ये बड़ा ही गरीब बंदा है मेरी तरह यकीनन और आज माशाल्लाह उन्हें यूट्यूब तो कमा के बहुत हार्ड वर्क किया है बहुत मेहनत की थी तो उन्हें इतना खूबसूरत घर बनाया माशाल्लाह ए ए ए ए ए ए ब्रेक लग गई ये उनका गेट है उन्होंने करने हैं कॉल कॉल करके आते हैं असा थोड़े घर दे चाय खाने भाई जन बाहर आओ अस्सलामु अलैकुम सलाम प्यारे आप तो बाहर आ गए मतलब कि बाहर हो के खड़ी गए ना मेरे को तो कॉल की थी मैं कॉल करना बैठा हूं मुर्शिद को अच्छा कॉल तो सा अटेंड कोने की थी ऐसा बाकी तो कॉल मिलने बैठा से क्या हाल है ठीक है अच्छा गड्डी को मैं रख रहे अंदर ये रोड है ना पिया चलो खड़ा दे ठीक है ना पहले हो पे तो अंदर खड़ा हो क्या हाल है ठीक है खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पहले नंबर तक ढेर ढेर मुबारक खूबसूरत घर जा ये वाले साहब हैं वाले साहब हैं अच्छा अच्छा अस्सलाम वालेकुम अंकल जी क्या हाल है हुजूर ठीक है क्या खैरियत है ठीक ठाक है तुम ठीक है खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह तुम सुनाओ सब खैरियत है जायद से सब खैरियत है बिल्कुल खैरियत है था कोई ढेर ढेर मुबारक घर जा जी अल्हम्दुलिल्लाह मोरे सब खैरियत नाले ने बिल्कुल भेणी बेरा हम आप सब खैरियत सब खैरियत नाले ने था कोई ढेर ढेर मुबारक माशाल्लाह जी जी खैर मुबारक खैर मुबारक माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त ठीक है आओ डाउन डाउन ये फुल आईडी रहने लग दी है टेंशन फुल फुल काट गन फुल काट गन काट गन काट गन काट गन काट गन ओके ओके ठीक है बनाडो ठीक 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 जान दे जान दे जान दे जान दे जान दे जान बस ठीक नहीं गेट बंद थी हां गेट बंद ओके 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 गप्पा सा बाद च लैसो बैठे थाको पहले हाउस दा विजिट करवाऊं माशाल्लाह पहले तक मैं बाहर जुदा और बाहर दे लुक दिखाना थाको इथु दी माशाल्लाह माशाल्लाह इत दूर खड़दा दूर तो इंदी बाहर दे लुक दिखाना दूर बाहर कैसा नजर आंदा माशाल्लाह अच्छा इंदे च मैं कोई ऐसा मैं नहीं ए ओ तक वेंदा पई है तोडी हद के तक ई दो अलग अलग गेट है ए अलग अलग गेट है ए सर हमसाय हन पे अच्छा ओ हमसाय हन पे ए हमसाय हन पे मतलब ए गेट हमसाय मेरा पिलर है आखरी अच्छा थोड़ा ए पिलर इथु दे दे तू साई बे
अच्छा मैं आखे वो भी थोड़े को लेना चलो माशाल्लाह ये माशाल्लाह इन्हां दा फ्रंट है पिया एंट्रेंस काफी खूबसूरत है माशाल्लाह ना ना मैं व्यूअर्स को दिखाया नहीं मैं व्यूअर्स को दिखाया माशाल्लाह मेरी तरह ना गरीब होता है और इन्हें हार्ड वर्क करके मेहनत करके माशाल्लाह इतना खूबसूरत घर बनाया तो जुलो मेरे व्यूअर्स को समझाने भी जुलसो कि क्या क्या चीज किमें किमें बनाई वे सामने का व्यू बड़ा कमाल का है पिया लाइन च बने पेन 1 2 3 4 5 6 छोटा जहां ग्रासी प्लाट है माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मेरे घर सिर्फ त्रे हैं पे ਹੁਣ ਵੀਰ ਅਸਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਿਖਾਣਗੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਭਈ ਕਿਤਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੋਰ ਐਜ਼ ਆ ਸਟੋਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਛੱਤ ਹੈ ਭਈ माशाल्लाह काफी खूबसूरत छत बड़ी खुली है और काफी वड्डी छत है पई है छत बड़ी खुली है सही है इतना बड़ा घर है ना तो छत इतनी खुली थी नहीं आई माशाल्लाह समझ लेना कि छोटा पौधा मैं वैसे ना अभी तुसा भी कमेंट मशवरा दी भाई फिरोज भाई को मशवरा दिता है कि घर वैसे भी इंसान की जरूरत होंगी ना इन्हों का घर भी तो मेरा घर भी देहात दे वेचे पिया ना तो मैं इन्होंने एज अ ब्रदर मशवरा दी तो मैं यार इतना खर्च अगर करना भी आई ना इन्होंने कम अज कम मेरे खिलाफ करोड़ राउंड अबाउट किया उस खर्चा प्लस के तक ये घर ये तक हाँ फाइनल कितने मंथ थी तकरीबन फाइनल मंथ थी 1 करोड़ 30 40 हाँ मतलब 1 करोड़ 30 40 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किया तो मैं इन्हों को मैंने कहा कि देहात जितना इन्वेस्ट नहीं करना ना वो तो सा कहीं शहर च इन्वेस्ट कर गिनवा वो तो कुछ ज्यादा बेनिफिट देगा कम दी शायद थोड़ी दिखावा ओ ये कम दी अच्छा ये टेरेस एरिया है अच्छा टेरेस एरिया मतलब ये झिकी जगह है पियों को शाम को बैठ के कहीं चाय वगैरह सारा कुछ पी सकते हैं हां और वो सामने का व्यू आउट क्लास है तेरा हेलो नहीं नहीं वाकया मैं को भी अपने घर का जेड़ा सामने उते छत पे वाना स्टूडियो दे ठीक है वो सामने का व्यू चेक करना बिल्कुल यही लुक देंदा है माशाल्लाह लोग को जी नजर आ पे ये देखो सर जबरदस्त ग्रासी प्लॉट है ये तल्लो ग्रासी प्लॉट तो बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है माशाल्लाह थोड़ी जी की मतलब फिलहाल थोड़ी जी की हां ये डेकोरेशन पेंट के बाद ही थी माशाल्लाह माशाल्लाह बाकी तुम्हारा घर तो वैसे माशाल्लाह खूबसूरत है मेरे को पसंद है लेकिन सब तो जड़ा बेस्ट और फेवरेट सीन है पियो मेरे इस जगह दे पे टेरेस से खड़ के तो सामने दा वीआईपी व्यू चेक करो बिल्कुल ही है मेरे स्पॉट है ना मेरी फेवरेट है मैं शाम को ना
ਇਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਵਲੌਗ ਐਡਿਟ ਇਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਭਲਾ ਘਰ ਬਹਿਣਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾ ਨਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਚੇਅਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਚੇਅਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਵਿਊ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਗਰੂਬ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਵੀ ਯੈਲੋ ਯੈਲੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਇਦੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਊ ਨਜ਼ਰ ਆਸੀ ਔਰ ਇਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਰਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਕੋ ਲੌਟਦੇ ਪਏ ਕਿਆ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭਾਈਜਾਨ अपनी प्लेट चो सारी प्लेट चो ना आउट क्लास लेवल दी बिरयानी भाभी थोड़ी तैयार की माशाल्लाह 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 खुशबू बड़ी खूबसूरत आंदी पे लेवल ले चलो मैं तक तेरी भाभी दी खवे सा उधारी थी गई करण खवे सा जन शादी थी सी यार इंशाल्लाह उधारी थी गई ए वैसे मैं वादा बड़ी आवाम नाल कीती वादा निजाम तो बनावणे में है ना कोई मसला नहीं तै के बस तै मेरे खाल कीती मैं हां ना पिया चलो मैं क्या सर व्यूअर खाने तो आओ साथ बिस्मिल्लाह इकट्ठे खाने पहले चमची तुसा खाओ मैं खाना पिया मैं कला खाना पिया भाभी दादी यार ब्रांड बड़ी आउट क्लास है यार मैं वाला वाला साउंड इंशाल्लाह जित्थो मेरे को बिरयानी अच्छी लगे ना मैं उथा वाला बड़ी यारी रख दूं और तो ना मारी बैठा सीरियसली यार व्यूअर असा खाना खाने के बाद थे चुके हैं बिल्कुल ही फ्री और मेरे दोस्त फिरोज भाई एक गंदे पैन न्यू कार मेरे को मैं पर्सनली मैं सपोर्ट ही देखा अच्छा व्लॉग ही मैं अपलोड की था ही से काफी लोगों कमेंट किए थे कि सपोर्टेज भी अच्छी है लेकिन तुम सीधे काले पास ही हो मैं और सीधे की ट्राई कर रहा हूं अपिया मैं ना को मशवरा देता मैं कि यार तुसा गड्डी घणी है ना पता है मेरी तो फेवरेट कार है भाई और फेवरेट कार मैं तो यही रेकमेंड करे सा मतलब मैंने कहा कि तुसा ड्राइव करके चेक करो कि तो कैसे लगती जी हां बिस्मिल्लाह रहमान रहीम डी मोड है हां जी डी मोड ये लगी है हम लोग की पार्किंग ब्रेक थोड़ी डाउन करे सा हां जी पार्किंग ब्रेक डाउन थी चुकी है और ड्राइव कर सकदे हो तुसा बिस्मिल्लाह अभी इसको बड़ी स्मूथ गाड़ी है यार अच्छा, मैं इतना फर्क फील हो रहा है टिकांटो का यूजर है कि ना अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि जी बल्कि मैं सराय की गाल करा थोड़ी सराय की माशाल्लाह कंफर्टेबल गाड़ी है अभी बहुत ज्यादा हां ऐसे में कहीं गाल है तो कोई शक को ना जब सर रोड पे चलाया ना जी पिकांटो मेरी मतलब वो भी तो जापानीज ही अच्छे अच्छे गड्ढे शामिल है लेकिन ये कि वो चाचा मरेंदी है मतलब टायर छोटे इंजन फील थिंदा हो ना कदे मोटा दीवार तो मैं लगता है कि ना ना वो उंदे बाकी ही में फील थिंदा लेकिन सेवे के जो चीज कोई नहीं इदे बड़ा रिलैक्स होता है बनिस्बत उना दे रोड ते चला के देखो तुसा वाल तुसा जरा फील कराई सपोर्ट मोड जी सपोर्ट मोड है माशाल्लाह जनाब हुन मेन रोड ते आ चुके हुन ड्राइव करो जनाब तुसा मैं को सपोर्ट मोड पे ना पिया ए स्पोर्ट्स मोड ते लाओ सब तो पहले सपोर्ट मोड कर हां जी कदी पाड़ी ते से जनाब हां जी हुन जरा एक टोरा तुसा वो स्पिनिंग 50 60 आज स्पिन ओए होए 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 अजड़ा जड़ तो स्टोरी कोई नहीं हाले तो 100 तेने पिक पकड़नी है ना हाले ने पिक को नहीं पकड़ी हाले तो मतलब एक स्टार्टअप है भैया नहीं दा ओ चाचा के मारी पियो हाले हाले स्टार्टअप है भी मतलब ये जले पिक आउने ना ने ओले 100 दी स्पीड जो से ओले पिक पकड़े दी से देख अच्छा खड़ो बल दोबारा बल हां जले 100 ते बल सी ना ओले पिक पकड़े सी ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੱਜੀ ਖੜਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਬੋਤਲ ਪਈ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜਕਦੀ ਹੋਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜਲੇ ਰੇਸ ਦੇਣੇ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਵਾਂ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਫੀਲ ਥਾ ਮੇ ਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ 1.8 ਜ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤ ਪਾਵਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਸੀ ਉਤਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਕ ਵਾਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਜੇ ਲੈ ਕੋ ਗਿੰਸ ਹੈ ਨਾ ਕੀਆ ਕੋ ਭੁੱਲ ਵੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਕੀਆ ਦੇਖ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੇ ਵੇਖ ਲਵਾ ਰਹਾ ਇਹ ਬਈ ਸ਼ੇ ਵੀਵਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੇ ਕੈਸਾ ਲੱਗੇ ਫਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਵੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਗਰੀਬ ਖਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਯਾਰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਵੈਸੇ ਘਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਤਾ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਰ ਅਸਾਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਦਾ ਰਵਾਨਾ ਹੈ ਪੇ तो दसाया था फिरोज भाई मिल के कैसा लगे उन्होंने यूट्यूब चैनल अगर तुम कह नहीं दिठा होया तो उन्होंने यूट्यूब चैनल का नाम है पिया पाक विलेज व्लॉग बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है पिया बहुत अच्छा वीडियोस पे उन्होंने चैनल वहाँ के विजिट करे सो और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करे सो और असा भी करें आज की वीडियो का एंड तुम्हें तो सारे वीडियो अच्छी लगी हो सके सारे वीडियो अच्छी लगी सारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे सो तो चला नए वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।